कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खराब कैसे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, सुबह का आगाज हो गया, सुबह के कोई 11 बज रहे हैं और हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया। काइंडली जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आगे की जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा हमारे साथ कि आज हमारे घर पे क्या क्या हो रहा है, जो भी होगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा वेट करें। और यहाँ पे आ गए अरसलान साहब। कैसे हो अरसलान साहब? ठीक। किस चीज़ की तैयारी हो रही है आज? फंक्शन की। फंक्शन की? अच्छा अच्छा, फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं। जट रेडी हो गया, तो अभी देखते हैं कि जट साहब क्या करते हैं। जट साहब कुछ बोलना चाहेंगे? नो 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 कमेंट्स जी। ओके, आप बिजी हैं जी? ओके, वीडियो बनाते हैं और इसके वहां से निकल ही रही। नहीं, वो हर बंदे का अपना अपना लेवल होता है ना अपने चैनल पर, है ना? हाँ जी। देखा ना ये चीज़ मेरे अजीज। फाइनली हमारी जो है ना दुल्हन रेडी होके आ गई है। और आप ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त मैंने मेहंदी लगाई है। ये सारा काम हमारा इमरजेंसी में हुआ है, ठीक है। मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है और ड्रेस भी जो है ना शादी वाला बहुत प्यारा है। और ये फाइनली हमारा लुक है दुल्हन का। भाई ए साइड नू हो गई सी, तो फिर मैं क्या ज़रा सेंटर लगाइए। और भी दुल्हन कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? आज खुश हैं आप? चलिए, अल्लाह आपके नसीब नेक करे, अपने देरों खुशियां दे, अपने हस्बैंड के साथ ऐसे खुश रहो, आबाद रहो। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ऐदा नू अम्मा रोई जाती है यार, ए असी हुण ए जरा काम, तू नहीं रोना, मेकअप लै जाना, तू नहीं रोना। अभी पैसे लगाए हैं तो माशाल्लाह से देखें भाई, हमारी दुल्हन बहुत प्यार लग रही है। इसके लिए तो जितना भी लोग देख रहे हो प्लीज़ इसके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह के इसके नेक नसीब करे, ऐसे बोलते हैं ना जी। जी, और हम सब की दुआएं भी इसके साथ हैं, अल्लाह इसको खुश रखे अपने खर्चे पर। अब तो ये अपने खर्चे पर खुश रहे ना। ठीक है भाई, ठीक हो? बाय बाय। चलें जी, इस टाइम जो है ना मैं जा रहा हूँ मिठाई लेने, क्योंकि सारा काम अर्जेंट अर्जेंट हुआ है। ये बात मैं आपको निकल जाना है कराची के लिए। फिर इंशाल्लाह आगे की जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर किया करेंगे। ये जो भी निकाह का प्रोसेस है जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। चलें तो गाइस यहाँ से मिठाई ले रहे हैं और मिठाई लेके फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त होता है लेकिन अभी आजकल नहीं है वो, कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा ही है। अभी जाना यहाँ से मिठाई का प्रोसेस भी पूरा हो गया। और ये दाता वालों से हम लोग अक्सर लेते रहते हैं मिठाई। गर्मी ने आज जो है ना मत बजाई हुई है। 12 बज गए हैं, लड़की वाले घर पहुँच गए हैं, अभी चलते हैं और जो है ना उनके साथ फिर बैठ के जो निकाह का प्रोसेस है वो पूरा करवाते हैं। चलो जी, इस टाइम हम लोग गुलशन पार्क के आए हैं। यहाँ से चिकन वगैरह लेना है, चिकन लेके जो है ना फिर हम लोग जाके घर बनाएंगे, क्योंकि जो है ना जहरी बात है जो लोग आएंगे उनको खाना भी तो खिलाना है ना। तो आज सारा दिन का प्रोसेस आपको निकाह का ही सारा मिलेगा ऐसे ही। तो इधर बातें शातें चल रही है, नवीद भाई इधर है, दूल्हा साहब भी उधर खड़ा हुआ है, सारे रेडी शेडी हैं, देखते हैं फिर अभी क्या होता है। चलो गाइस, ये हमारा दूल्हा है और ये तो के बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, और वहाँ मामू सोए हुए हैं, उनके कज़न है अरसलान साहब है। और यहाँ जो है ना निकाह का प्रोसेस जारी है, तो लिख पढ़ हो जा रही है, देखते हैं अभी कि अब्दुल्ला खुश है यार। चौधरी खुश है ना? अच्छा अच्छा, ऐवें कर दे फिर। मैं कह मैं उदास उदास बैठा, पता नहीं की चक्कर आहो। तो गाइस यहाँ पे जो है ना निकाह नामे के पेपर पे जाना है, वो जो भी उनके हिसाब किताब होगा वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्का होता है ना ये बहुत नाजुक होता है और इस पर बहुत नाजुक लफ्ज़ लिखे जाते हैं, बड़ा ख़तरनाक पेपर होता है ये। तो, कोई ना कोई ना। ये हमारा भाई भतीजा आपका? ये भतीजा आपका? अच्छा माशाल्लाह, ये भतीजा है, ये दूल्हा। अच्छा ये भी भतीजा है, ये बड़े भाई के हैं? अच्छा 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 अच्छा, वो बैठे हैं इनके। और ये उमर भाई से बड़े हैं, वो उमर भाई से, वो सबके बड़े भाई हैं, फिर ये और ये, ऐसे ना सही बोला ना, ये ना कहीं गलत बोल दूँ। चलें गाइस, अभी जो है ना साइन वगैरह हो रहे हैं निकाह के पेपर पे, ये लड़की से करवाएंगे, पहले लड़के से होते हैं, अब जाके निकाह इनका कम्प्लीट होगा। ये चीज़ जाके दे फटे।
चले भाई बनू पुलाव वालों से मैं आया हूँ यहाँ से जो है ना 20 चपाती लेने। ये भाई पैक कर रहे हैं और माशाल्लाह से इनके कबाब बहुत जबरदस्त होते हैं। वेदर तो वैसे ही लाजवाब बना हुआ है। 1:30 बज गया, अल्हम्दुलिल्लाह से निकाह हो गया। आगे की फिर जो भी बातें चाहते हैं फिर करते हैं आपके साथ। यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो गया, ये रोटियाँ ले आए हैं। तो अभी जो है ना, हाँ सालन दिखाओ। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो यहाँ पे जो है ना, आपको कितना खुशी है अपनी बहन की शादी की? खुश हो? आपको भी मुबारक हो। चैलेंज ये एक फर्ज था, ये पूरा हुआ। ठीक है, चलो जी। फाइनली गाइस, हमने ये खाना भी रेडी किया बहुत जल्दी जल्दी में। तो आई होप कि उनको भी पसंद आएगा, और आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। हम तो खाएंगे, हम खाएंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी कदर कम हो गई है। ऐसे ही है ना, ये तो निकाह नहीं करते। सदके आपके। आज इनकी और भाई नदीम की, तो भाई नदीम की तो ज्यादा ही कम होगी ना, वो बेचारे फर्स्ट पे चले गए। खैर, यहाँ पे दोनों जो, ये दोनों क्या लगते हैं आपस में, सांडू लगते हैं ना आप दोनों। एक सांडू इनका और आ गया। अब वो अरसलान की शादी में वो ऐसे काम करेगा, क्योंकि अब और तो कोई बहन ही नहीं है हमारी। चलें गाइस, दिलवर अभी लेकर जा रहे हैं खाना, और अभी खाना देते हैं जी। बाकी अरसलान आपको मुबारक हो। अरसलान सिर्फ हमारे मसले सुनता है। कैसी हो हानिया? मैं ठीक हूँ। मैंने बच्चों के साथ दोस्ती की। चलें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जिनके साथ दोस्ती हानिया ने कर ली है। तो अभी सामान भी यहाँ ऐसी पैक पड़ा है। कहाँ आ जाओ। चलें जी, हमारा निकाह होने के बाद दूल्हा साहब और उनकी फैमिली सब लोग खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। तो खाना इंजॉय करते हैं, हम फिर उधर लेडीज़ को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद फिर गप्पे शप्पे लगाएंगे आपके साथ। हमारे लिए ये बचा है, बाकी सारा सालन खत्म हो गया है। क्या चलो ठीक है, हमें यही बोटियाँ मिली है बस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चार बोटियाँ, दो तू खाई, दो मैं खाऊंगा, ठीक है। ये वाली मिली थी। व्हाट? चलो ठीक है। चलें गाइस, ये हमारा खाना आ गया है, और इसके साथ हुआ है मोए मोए, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो रही है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नहीं बताए ना? कुछ भी नहीं। तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपसे फिर गपेश पे लगाएंगे। चलें गाइस, जो है ना अभी दूल्हा दुल्हन साथ बैठे हैं, और बेबे साथ जाके बैठ गई है, उनको रेडी कर रही है। उनको रेडी कर रही है, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये जोड़ी है, अल्लाह इनके नेक नसीब करे। तो आपने भी जो है ना, सब ने इनके लिए दुआएं करनी है। हाँ, सारा क्रेडिट जरा ना साढ़े तरफों, सारा क्रेडिट नदीम भाई नूं जांदा, क्योंकि ये सारा, अगर ये ना होंगे तो शायद इन्हों की शादी भी नहीं होनी सी। नहीं, क्योंकि घर के बड़े भाई हैं, तो जो भी होता है मिलजुल के बड़े फैसला करते हैं, उनके फैसले के साथ ही इमरजेंसी पर शादी करनी पड़ी है। वो भी रीज़न है, वो भी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये कि बस अल्लाह इस जोड़ी को सही सलामत रखे, और बड़ों का साया इनके ऊपर बरकरार रखे। आमीन। भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है नए रिश्ते में बंध कर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुश हो? चलो अल्लाह करे आप दोनों खुश रहें, और आप भी खुश हैं? चलो बहुत खुश हो, चलो अच्छी बात है। हाँ, बेबे ने फ़र्ज़ अदा कर दिया, और ये फ़र्ज़ जो है ना बहुत बहुत बड़ा फ़र्ज था। इस फ़र्ज़ को अंजाम देने के बाद अब हमारी जो बेबे है वो कहीं हमारे साथ आना जाना होगा, क्योंकि सिर्फ बेबे कहीं नहीं जाती थी सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि जब जवान बेटी का तो माँ नहीं निकल सकती, तो अम्मा ने जो है ना आज ये फ़र्ज़ निभा कर अब हम अम्मा को नींद की गोली खिलाएँगे, और बिल्लू जेल से भरा। चले गए, अभी रुख्सती का टाइम है, और ये माँ बेटी जो है ना उतर, कोई गाल नहीं, ये टाइम इन पे भी आया था, इस पे भी आया था, सब पे आता है, कोई गाल नहीं। रोना नहीं, मेकअप ले गया ना तो फिर असी नहीं करा के देना, बिल्कुल नहीं मेकअप लाना। चलो जी, चादर पहना। चलो माशाल्लाह, नहीं नहीं बस ऐसे डाल दो। हाँ ऐस ऐस, चलो 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 चलो, जान दो। चलें जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा सनिया की छोटी सिस्टर का निकाह था। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि जी आप लोगों ने जो है ना मुहर्रम का लिहाज नहीं किया, सारा कुछ
तो असल में ना जो लड़का है उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना ये सारा कुछ एमरजेंसी में करना पड़ा। तो देखें यार उनकी मजबूरी थी, तो सादगी में निकाह किया, कोई फैशन कोई ढोल ढमाका कुछ भी नहीं किया। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी पता है कि अदब करना चाहिए मुहर्रम का सारा कुछ, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा आप लोग मजबूर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको मजबूरन सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। तो बस ये कि बच्ची का निकाह करके उसको सादगी से रुखसती कर दी है, अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे सारा कुछ। बस इधर कुछ लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई, और बहरहाल इस मौके पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरा हक भी नहीं बनता, ठीक है ना। वो बहन भाई हैं, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन मुझे दिल ही एक अफसोस हुआ कि यार मतलब इन शादियाँ रोज़ रोज़ नहीं होती, ऐसे फंक्शन ऐसे इवेंट्स रोज़ रोज़ नहीं होते, तो बड़े होने के नाते मतलब आना चाहिए था। खैर जो भी है, इसके अलावा हम लोग कोहलपुर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, कल कराची भी पहुँच जाएंगे। फिर आगे के जो मसले मसाइल हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे, पर दुआ कीजिएगा कि हमारा आगे का जो सफ़र है वो सही सलामत गुजरे। इसके अलावा आज जो है ना बस इनकी मम्मा बहुत उदास थी क्योंकि दो बच्चियाँ रुखसत हो रही थी, एक कराची में थे एक दूसरे पास है। ये तो आपने खैर ज्यादती की है? नहीं खैर कोई ज्यादती नहीं की है, ज्यादती है नहीं, देखो ज्यादती नहीं है, हमारी तो टिकट हो गई थी और हमें जाना भी था, और ये हमें नहीं पता था कि अचानक ये फैसला हो जाएगा, कैंसिल भी हो सकती थी। नहीं हो सकता था, तो मतलब ये था कि नहीं, मैं बच्ची के शादी का बोल रहा हूँ, उसका नहीं पता था वो अचानक भी ऐसा हो जाएगा। हमने तो ये बोला था कि वो आएंगे दिन रख जाएंगे, इनकी मम्मा ये बोलती थी कि भाई पहले दूसरे महीने में शादी कर देंगे, क्योंकि हमारे में रिवाज है हम बच्चों को अपना पूरा दहेज दे के भेजते हैं। लेकिन वो अगलों ने बोला कि आप हमें बाद में दे दीजिएगा, फिलहाल रुखसती दे दें ये वो। तो फिर सब ने रात को बैठ के फैसला किया कि सब बड़ों को बुलाया, इनके मामों को इनकी खाला को, तो सब ने बोला कि चले अगर वो इतना वो बोल रहे हैं, उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उनकी वालदा ने बोला कि मेरे छोटा बेटा इसकी मैं खुशी देखना। उमर भाई के वालिद भी नहीं है, उनके वालिद भी नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ ये सिचुएशन थी। बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने खुशी खुशी उसको रुखसत की है। उसके अलावा आज हनी नूर भी बहुत खुश थी माशाल्लाह से, आज इतना हस्ती मुस्का, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना एक तो उसके साथ प्रॉपर टाइम गुजारा है, दूसरा ये था क्योंकि उसको छुट्टियां थी, वरना ये होता था कि स्कूल स्कूल से ट्यूशन ट्यूशन से भी रात हो जाती थी, तो दो दिन दिन भी मुलाकात नहीं होती थी। इस दफ़ा तो वो प्रॉपर उसने हमारे साथ टाइम गुजारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी खुश थी अपनी माँ के साथ, और अल्लाह करे इस माँ बेटी का भी प्यार ऐसे ही रहे। तो गाइस अगर छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब आदमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।